दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के करियर के बारे में बात करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में यूएस, इंडिया, यूके, सिंगापुर, यूक्रेन, यूएई, नाइजीरिया, जापान, साउथ कोरिया पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक हुए, जिसमें बैंकिंग, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को टारगेट किया गया, जिसके कारण साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में बढ़ गई है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है साइबर सिक्योरिटी, कितने तरह के होते हैं साइबर अटैक, कौन सा कोर्स करना होगा, कॉलेज फीस और सैलरी, सब कुछ। तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी एक तकनीक या विधि है जो कि कंप्यूटर या इंटरनेट या इनसे आपस में जुड़े हुए नेटवर्क, मोबाइल डिवाइस, सर्वर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, चाहे वो किसी भी सिस्टम या डिवाइस जो सूचना या प्रोसेस को ट्रांसमिट करता है, पर उपस्थित सूचनाओं की अनेक प्रकार के साइबर अटैक को रोकने का उपाय करती है। मतलब साइबर सिक्योरिटी एक प्रोसेस है जो सिस्टम या सर्वर पे होने वाले अटैक को रोकता है। तो इसमें आ जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी। आ जाते हैं टाइप्स ऑफ साइबर अटैक पे। तो नंबर वन पे आ जाते हैं रैंसमवेयर। दोस्तों, यह एक तरह का वायरस होता है जो कि हैकर द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में अटैक करने के लिए काम में आता है। यह कंप्यूटर में पड़ी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद हैकर ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया है या उसमें वायरस भेजा है, उसमें पैसे की डिमांड करता है और उसके बाद सिस्टम को छोड़ता है। नंबर टू पे मालवेयर। दोस्तों, यह कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन एटसेट्रा। नंबर तीन पे आता है सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों, यह एक तरीका है हमले का जिससे कि बड़ी चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है और उनसे उनके निजी डेटा, पासवर्ड आदि को निकलवाया जा सके। आपने काफी सारे केस सुने होंगे कि आपको कॉल आती है, वो आपसे बैंक की डिटेल पूछता है, फिर आपसे ओटीपी पूछता है। ये सोशल इंजीनियरिंग में आता है फ्रॉड। नंबर फोर पे है फिशिंग। दोस्तों, यह एक तरह का फ्रॉड है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें यह लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन जानकारी। आपने देखा होगा आपके पास कई सारी ईमेल्स आती हैं फॉरेन से कि आपको $1 बिलियन दे रहे हैं, $1 मिलियन दे रहे हैं, तो ये फिशिंग में आता है। नंबर फाइव पे है मैन इन द मिडिल अटैक। दोस्तों, अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई। आपने देखा होगा कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जो अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई होती है, ज्यादातर उस पे अटैक होते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस। दोस्तों, अटैक नेटवर्क ट्रैफिक को जाम कर देते हैं और फिर उसको जाम करके उसमें घुस जाते हैं। नेक्स्ट आता है SQL इंजेक्शन। दोस्तों, अटैक मलिशियस कोड सर्वर में भेज देते हैं SQL इंजेक्शन के द्वारा और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, तो 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में करने के बाद आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। कोर्स और सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो आप BTech MTech कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। BTech MTech कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में और स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक में। BTech MTech कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में विद साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर। BSc कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में और साइबर सिक्योरिटी में। BSc कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। BCA कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में। BCA ऑनर्स कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। नहीं, अगर सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं रिस्क और मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल में। सर्टिफिकेट कर सकते हैं एथिकल हैकर में। इसको सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल कर सकते हैं। इसको सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ISACA सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर सकते हैं। ISACA सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर सकते हैं। ISC सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं BTech, BCA, MCA करने के बाद। ऑनलाइन आप Udemy, Coursera, साइबरे से कर सकते हैं। ऑफलाइन कॉलेज पे आ जाते हैं, तो आप GITAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम से कर सकते हैं। मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से कर सकते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल से कर सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से कर सकते हैं। जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कर सकते हैं। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से कर सकते हैं। JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप मद्रास से कर सकते हैं। पूर्णिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कोयम्बटूर से कर सकते हैं। इस पे आ जाते हैं, तो डिग्री के लिए 2 लाख से 15 लाख रुपए तक आपको देना पड़ सकता है। वहीं
सर्टिफिकेशन करते हैं तो 15,000 से 3,00,000 रुपए के अंदर में हो जाता है। करियर अपॉर्चुनिटीज पे आ जाते हैं, आप क्या बन सकते हैं, तो आप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं, सिक्योरिटी ऑडिटर बन सकते हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी कोड ऑडिटर, आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स पे आ जाते हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं, इसमें एप्पल है, HSBC है, गूगल है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, कैपिटल वन, सिस्को, इंटेल, IBM, बोइंग, ये सब काफी सारे बड़े बिग ब्रांड हैं, एमएनसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करते हैं। प्राइवेट कंपनीज के अलावा आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक साइबरसेल, CBI, IB में भी जॉब कर सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 7,00,000 रुपए पर ईयर होती है, वहीं साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की एवरेज सैलरी 17,00,000 रुपए तक होती है पर ईयर, वहीं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की एवरेज सैलरी 50,00,000 रुपए पर ईयर मिल जाती है। दोस्तों काफी अच्छा करियर है साइबर सिक्योरिटी, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जैसे कि साइबर अटैक्स बहुत सारे होते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, तो इसकी ग्रोथ कभी कम नहीं होती है। एक ऐसा करियर है जिसमें ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी है, आप अपना खुद का फर्म भी खोल सकते हैं, खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं, साथ में जॉब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू।